मैं विजेंद्र सिंह दलाल एक प्रगतिशील किसान हूँ पलवल हरियाणा से, और पलवल हरियाणा में ही 2003 से प्रगतिशील किसान क्लब जिला पलवल का चेयरमैन हूँ। मैं हरियाणा सरकार में MIDH का मेंबर हूँ। मैं आज फूलों के विषय में कुछ अपने बातें रखना चाहता हूँ। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की 70% आबादी खेती पर डिपेंड है। हमारे देश में परंपरागत खेती बहुत लंबे समय से है और ये हमारे पूर्वजों की धरोहर है। जब देश में अन्न की कमी थी तो उसका पूरा करने के लिए, भरण पोषण के लिए, अधिक अन्न उत्पादन करने के लिए कृषि विश्वविद्यालय, कृषि वैज्ञानिक, अच्छे बीज, शिक्षित किसान, आधुनिक सुविधाओं से लैस कृषि परिधान के ऊपर देश में काम हुआ। और हमारे देश के अंदर कृषि उत्पाद और खाद्यान्नों के भंडार भर गए। आज देश में खाद्यान्नों की कमी नहीं है, लेकिन देश का किसान आज भी गरीबी से जूझ रहा है। संसाधनों की भी कमी है। इस विषय में मैं एक प्रगतिशील किसान होने के नाते एक बात कहना चाहूँगा कि आज देश के प्रधानमंत्री किसानों की आय को 2022 तक दोगुनी करने के लिए कृत संकल्प हैं। मेरा मानना है कि परंपरागत खेती इस क्षेत्र में हमें उस मुकाम पर पहुंचाने में बहुत मुश्किल प्रतीत हो रही है। इसके लिए जो प्रयास हैं उनमें बागवानी और प्रसंस्करण उद्योग हमें आगे ले जा सकता है। आज देश के अंदर जो सब्जियां पैदा हो रही हैं उन सब्जियों में भी देश के उपभोक्ता तक जहर मुक्त, रसायन मुक्त और ऑर्गेनिक सब्जियां और उसी तरह के A2 क्वालिटी के दूध अगर पहुंचाए जाए तो देश के किसान की हालत भी अच्छी हो सकती है और देश कुपोषण से जो जूझ रहा है उसको ठीक किया जा सकता है। ये दलाल साहब, मैं पूछना चाहूँगा कि आपके हाथ में जो फूल है जी, वो क्या बताता है, इसका नाम क्या है और ये कैसे आपके हाथ में ये फूल है? मैं इसी विषय पर आ रहा हूँ। आज देश में हॉलैंड और नीदरलैंड की तरह फूलों की खेती करके किसानों का भविष्य उज्जवल किया जा सकता है और साथ ही देश की इकोनॉमी को बहुत आगे ले जाया जा सकता है, ऐसा मेरा एक प्रगतिशील किसान होने के नाते सोच है। मेरे हाथ में जो ये फूल है, इस फूल को हम आम भाषा में ब्रासिका कहते हैं, लेकिन इसका जो वैज्ञानिक नाम है वह है ओरिएंटल केल, इस फ्लावर का नाम है। और इस फूल को पैदा करने में जापान का रोल है। जापान से ही इसका बीज भारत में लाया जाता है और इसके लिए दिल्ली में इंदिरा मार्केट में स्वामी बीज भंडार पर इस बीज को हम प्राप्त करते हैं। मेरे जिले में रणवीर सिंह एक किसान हैं जो गत 30-35 वर्षों से एक बहुत गरीब किसान जिसके पास लैंड होल्डिंग बहुत कम है, यानी उसके पास अराउंड आधा एकड़ जमीन है, और पिछले 35 वर्षों से उस किसान ने फूलों की खेती में बहुत काम किया है। उस किसान ने इस फूल को ला करके अपने खेतों में उगाया और आज
भारत की जो राजधानी दिल्ली के साथ हम नजदीक होने की वजह से जो गाजीपुर फूलों की मंडी है वहाँ पर रणवीर सिंह इस फूल को बेचते हैं और मैंने भी इस फूल को उगाया अपने खेत में। रणवीर सिंह पूरे साल में रूटीन में ऐसे कई तरह के फूल जो भारत में आसानी से नहीं मिलते हैं उनको उगा करके अपनी आजीविका चलाने के साथ साथ फूलों की खेती में एक इनोवेटिव फार्मर का रोल अदा कर रहे हैं। ये जो फूल है ये किस काम आता है? ये फूल जो कहीं पर भी सामाजिक जो हमारे जो शादी है या कहीं इसी तरह के फंक्शन जहां होते हैं, जहां पर टेंट हाउस और जो मैरिज हॉल फार्म हाउस को सजावट के काम आता है। अच्छा, इसकी कोई सुगंध होती है? इसके अंदर कोई सुगंध नहीं होती और इस फूल को लंबे समय तक रखा जा सकता है, ये मुरझाता नहीं है। ये कितने में मिलता है एक फूल? ये फूल हम जो किसान बाजार में बेचते हैं इनोवेटिव फार्मर करके, हम अपने प्रयासों से इस फूल को 30 रुपए का बेचते हैं। और ये कितने किसान ऐसे हैं जो कि आपके पलवल जिला में या भारत के अंदर उगाते होंगे? भारत के अंदर जो फूल उगाते हैं ये, क्योंकि ये ठंडे इलाकों का फूल है इसलिए जो ठंडे राज्य हैं जिनमें पंजाब एक है, हरियाणा का बहुत बड़ा हिस्सा है, उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा है, हिमाचल है, J&K है, ऐसे 4-5 राज्यों में भी ज़्यादा किसान इसके बारे में अभी तक जान नहीं पाए, बहुत किसानों की संख्या नहीं है। पूरे देश के अंदर 10 या 8 किसान इसको उगा रहे हैं, लेकिन रणवीर सिंह पूरे नॉर्थ इंडिया में एक पुष्प उगाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अभी तक उनको किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर ना तो भारत सरकार ने कहीं सम्मानित किया ना उनका हौसला अफजाही किया। अगर इस किसान को सरकार सम्मानित करे और फूलों की दिशा में उस किसान के माध्यम से राज्य के और देश के प्रगतिशील किसानों को मोड़े तो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी किसानों के भाग बदल सकते हैं। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि भारत सरकार या राज्य सरकार ऐसे कुछ प्रगतिशील किसानों को नीदरलैंड और हॉलैंड में ले जा करके विशेष रूप से फूलों की ट्रेनिंग दे करके और वहाँ से जो महंगे बीज हैं उनको अनुदान राशि पर दे करके उन किसानों से फूल उगवाए और सरकार इन फूलों को बेचने के लिए और एक्सपोर्ट करने के लिए पुख्ता इंतजाम करे ताकि फूलों की खेती से अधिक इनकम हो और दूसरे किसानों को भी इससे फायदा मिले। अभी आप बता रहे थे कि रणवीर सिंह, तो रणवीर सिंह इन फूलों से कितने पैसे कमा लेते हैं? रणवीर सिंह इन फूलों से जहाँ तक मेरी सोच है अभी तक उस किसान ने 1 एकड़ से 10-10 लाख रुपए तक भी इस फूल से कमाए हैं, लेकिन जब बाजार में फूलों के रेटों में उतार चढ़ाव आ जाते हैं तो उस वक्त इनके रेट डाउन होने से कुछ कम भी कमा सकते हैं, लेकिन परंपरागत खेती से तो हम कई गुना ज़्यादा कमा सकते हैं इस फूल से, इसलिए इस फूल की खेती करनी चाहिए, सरकार को करवानी चाहिए। क्या हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का मिशन है कि 2022 तक जो किसानों की आय है वो दोगुनी की जा सकती है, तो क्या ये सिर्फ फूल ही ऐसा है जो कि किसानों की आय दोगुनी करने में सहायक होगा? इसके लिए अगर पूरा भारत फूल उगाए तो ये एक बहुत बाजार को खराब करने का इसमें स्थिति पैदा हो सकती है। हमें विविधीकरण की तरफ भी जाना पड़ेगा, हमें संतुलन बनाना पड़ेगा। संतुलन बनाने के लिए सरकार को जोन बनाने चाहिए जहां पर फूल उग सकते हैं, जहां पर दिल्ली के हम नज़दीक हैं, जहां पर फूल उगा करके उनको जल्दी एक्सपोर्ट करके हम फायदा उठाने की संभावनाएं जहां पर छुपी हुई हैं उस जगह फूल उगाने चाहिए। लेकिन कुछ क्षेत्रों में हम एग्जोटिक वेजिटेबल्स, कहीं पर ऑर्गेनिक अनाज, कहीं पर गन्ने से प्रसंस्करण करके हम गन्ने से कुछ उत्पाद बनाएं, डिफरेंट जो हमारे इलाके हैं जहाँ जहाँ जैसी जैसी जलवायु है उस जलवायु के मुताबिक वहाँ उसी तरह की फसलें उगाएं और उन फसलों को उपभोक्ताओं तक पहुँचा करके लाभ कमा सकें।